इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए गाइज़ हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए ऑफिस के साथ साथ और वो नाम भी लेना शुरू करेंगे चंद दिनों में ये भी मैं आपको बता दूं आरिफ अलवी साहब का नाम भी वो लाएंगे दरमियान में अच्छा, एक तो बात हो गई दूसरी बात ये है कि जो वापस आते हैं सियासत में पड़ोस में बड़ी अजीब बात हुई है भारत में oh, oh, पड़ोस हमारा प्यारा पड़ोस भारत उधर क्या तमाशा हुआ है कि एक एक है ना टूटी फूटी तंजीमे एक दौर में सार्क बनी थी एक तरह सार्क बनी हुई थी एक ओआईसी बनी हुई है एक यूनाइटेड नेशंस क्यों है पता नहीं एक नेटो का सर पैर समझ नहीं आ रहा अमेरिका चाह रहे नेटो क्वाड है क्वाड का नाम लेते हैं तो बत्ता कर रहे हैं। तो सर नहीं है क्वाड बनी हुई है अच्छा एक और बनी थी ये 2000 दो या तीन में उसका नाम था ब्रिक बी आर आई सी अच्छा ब्रिक में जो है वो जो है वो अब वो इसलिए बनी थी कि जो ब्राजील है इंडिया है रशिया है और चाइना ब्रिक वो ब्रिक जो है उसमें यानी तरक्की याफ्ता जो यानी जो तरक्की करती हुई मीशतें हैं उभरती हुई मीशतें हैं उभरती हुई वो उसका हिस्सा बन गई बाद में उसमें एस भी लग गया ब्रिक्स हो गया तो साउथ अफ्रीका भी आ गया अब जनाब वो ब्रिक्स जो है वो अचानक इनसे जिंदा हो गई है अच्छा अब मुझे बताएं कि 2003 में और 2021 में क्या फ़र्क है फ़र्क यह है कि चाइना के और इंडिया की लड़ाई हो रही है और फ़र्क यह है कि इंडिया जो है वो वो उभरती हुई मीशत नहीं है वो उभरी हुई मीषत है चाइना अब चाइना में और ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में क्या कॉमन है मैं नहीं कुछ कह सकता ठीक है अच्छा तो अब वो ब्रिक्स जो है उसका इजलास ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसका इजलास जनाब इस साल हो है और उसके इजलास वो तो होता रहता है इजलास होने से कोई को फर्क नहीं पड़ता पिछले साल भी हुआ था वो उसमें जो एजेंडा क्या है तो अच्छा? एजेंडा ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए अच्छा हाँ ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए इतिहास क्या है चाइना ब्राजील ब्राजील ब्राज़ील कहाँ से आ गया बीच में गरीब लोग अच्छा वो बैठे हुए बेचारे मतलब मैंने ना साउथ अफ्रीका नहीं वो दूसरे कि नहीं नहीं, मैं, मैं इंडियन मीडिया ये कह रहा है इंडिया कि चाइनाज प्रेसिडेंट शी जी मे विजिट इंडिया अच्छा बड़े साहब इंडिया तसीब ला रहे हैं ये ये कह रहा है इंडियन मीडिया

भारत विजिट करे देखिए ये जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है ना ये जो आ, आई की तरफ से के सजना नामी दहशत को मार दिया गया है गुर बहादुर ग्रुप अच्छा ये एक्टिव हैं अभी भी ये टीटीपी जो है ये एक्टिव है ठीक है ये टी टी पी हाँ टी टी पी का कई ग्रुप है और लेकिन इसमें जो आ, जो यानी इसको बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कामयाबी क्या बहरहाल अल्लाह ये पहले हो जाता जनम रसीद जो भी शख्स है तो ये कल कल ही चार खुवात जो हैं उनको उनको इसने शहीद किए और फ़ौन ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज ही इसको ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब है कि उनकी एक्टिविटीज़ भी जा रही हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी मैंने आपसे कहना है कि ये वो जो वाक़ हो जाता है उसकी खबर आती है लेकिन जो खामोशीज हैं उनके लोगों को पकड़ के अंदर जिनकी तबीयत साफ कर दी जाती है तो वो खबर नहीं आती तो इस खबर की ये इंपॉर्टेंस है कि कल ये इन्होंने वाक़ किया और आज फौरन ही इनके ऊपर जो एक्शन भी हो गया हमारा भी गया। अच्छा और लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों के अंदर देखें मतलब वही बात है पाकिस्तान उन मुल्कों में से जो फ़िया कह सकता है कि हमने दहशत गर्दी पर काबू पाया माशी दहशतगर्दी पर नहीं पा सकते इसको बताने में भी कोई हर्ज नहीं है कि माशी दहशतगर्दी अपनी जगह मौजूद है और मजबूत है अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त ना कि ये एक्टिविटीज़ दोबारा तेज़ हुई हैं इनकी टी टी पी और ये सारे और हम भी अलर्ट हैं और सारा ये काम हो रहा है और क्योंकि खत्ते के हालात ऐसे हैं कि जिसमें अफोर्ड ही कोई मुल्क नहीं कर सकता कि उस वक्त उसकी मीशत या उसके खारजा ताल्लुत या उसकी इंटरनल सिक्योरिटी या बॉर्डर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि शी जी पिंग के हवाले से इंडियन मीडिया ये खबर दे रहे हैं अच्छा इंडियन मीडिया से मैंने लोगों से पूछा मैंने कहा यार शी जी पिंग खुद आ रहे हैं यानी आपने ये ख़बर जो लिखी है देखिए ना अब आप इसमें देखें आ, मिसाल के तौर पे अच्छा इंडियन मीडिया की ही फिर आ, ख़बर को ब्लूमबर्ग ने उठा लिया ब्लूमबर्ग ने कहा कि शी में अटेंड ब्रिक्स समिट इन इंडिया विद टेंशंस अच्छा जी तो यानी मैंने तो पूछा लोगों से मैंने कहा यार आप ये बताएं कि क्या वो खुद आ रहे हैं या वो कैसे मतलब या ये लास्ट ईयर की तरह वर्चुअल होगी उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो खुद आ रहे हैं मैंने कहा अच्छा आ रहे हैं तो ये मतलब इसका कैसे पता चला आपको खुद आ रहे हैं उन्होंने कहा जी बात यह है कि वो बस ऐसे है वैसे बस हमें बताया गया तो हमने ख़बर चला दी है उनके जराए ने बताया उनको फ़ॉरन ऑफिस या किसी ने तो उन ख़बर चला दी अच्छा चाइना जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चा, चा, चाइना को रीड करना जो है ना वो मुश्किल है मैंने आपसे कहा था कि चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को समझने की कोशिश हो रही है कि चाइना क्या चाइना ने जो है वो इंडिया के साथ एक बड़े लंबा इस्ट्रेटिजिक प्ले उन्होंने खत्ते में शुरू किया चाइना बात कर रहा है कि वो उस एक ये नहीं अभी कि अभी सी पैक बन जाएगा तो अभी बी आर आई बन जाएगी वो लंबा लंबा मैंने कहा ना स्पेस से लेके अफ्रीका के मिनरल से लेके साइबर सिक्योरिटी फाइव जी सिक्स जी आ रहा है तो फाइव जी से आगे जा रहे हैं तो बात यह है कि वो वहां पर और ये डिजिटल सिल्क रोड हैं सारे ये जितने भी रोड्स हैं ये सिर्फ सड़क सड़कें नहीं हैं बट ट्रेनें नहीं हैं ये वो उस हिसाब से प्लान हो रहा है कि जो दो या पैंतीस में जो रोड ये तो नहीं कि अभी 2021 के हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं कि ये बन जाएगा बी आई रही फ़ौरन वो प्लान कर रहे हैं अभी 40 साल के बाद सड़कें किस तरह होंगी अगले 40 साल के बाद बंदर का है कैसे सपोर्ट आगे का प्लान हो रहा है अच्छा तो अब इसमें बात यह है सारी कि इसमें इंडिया को उन्होंने किस तरह से इंगेज किया पहली बात तो यह है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि बैंक के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी है गोगरा पे क्या बात हुई इधर क्या बात हुई है उधर क्या बात कुछ नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा जो धचका है मोदी को मोदी सरकार को मेरा ख्याल है बहुत इसको और ये बड़ी 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 हैरान कन बात है और टाइम्स ऑफ इंडिया खुद ये इंडियन मीडिया मैं रेफरेंस इसलिए देता हूं ताकि इसके ऊपर जो है ना वो किसी किस्म की बात ना हो कि आपने कहाँ से कोट की है बात और इंडिया से लोग पूछते हैं कि जी आपने ऐसी बात कर दी तो एक रेफरेंस जरूरी है टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि चाइना रिटर्न एज टॉप इंडिया ट्रेड पार्टनर इवन एज रिलेशन और अच्छा जी बदतरीन ताल्लुक के दौरान भी सतर अशारिया सात अरब डॉलर्स पिछले साल ट्रेड हुई है स्ट्रेटेजिक hmm. राइवल्स की दोनों की जंग के दौरान जबकि मोदी साहब सैकड़ों एप्लीकेशंस को बंद कर रहे थे ये अखबार उनका लिखता है यहाँ पर, पर खत्म तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रिक्वेस्ट है ये कि आप ये यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान का ये डॉक्टर घोंचू बात कर रहा था जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के सी जिंगपिंग उनकी विजिट होनी है इंडिया में आपको पता है ब्रिक्स ब्रिक्स नाम का एक संगठन है जिसमें पांच देश होते हैं बेसिकली बी से होता है ब्राज़ील आर से होता है रशिया आई से होता है इंडिया एस से होता है साउथ अफ्रीका और सी से होता है चाइना आपको यह पता होगा तो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है वो इस बार इंडिया में होना है तो इसके इसके लिए मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट कर सकते हैं तो उसको लेकर डॉक्टर घोचू ने अपनी एक अलग से एक थ्योरी बनाई है आप समझ सकते हो दोस्तों इसकी थ्योरी किस तरीके रहती किस तरीके की रहती है और डॉक्टर घोचू वैसे भी अपनी फेक न्यूज़ के लिए काफ़ी है। तो जो इसकी थ्योरी है इसके मुताबिक ये है कि मतलब ये ये बोलना चाह रहा है कि ये डॉक्टर घोचू की जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया का विजिट नहीं करेंगे ये इंडिया मीडिया स्टोरी लगा रहा है आप समझ सकते हो दोस्तों इसकी मैंटिलिटी क्योंकि आपको पता है इनका रूहानी बाप तो इस समय बना है टर्की और जो इनका मतलब मालिक है और माल मतलब जो इन इनका मालिक है मतलब ये जो इनके पालतू अभी बने हुए हैं वो है चाइना तो चाइना जो इनका अभी बाप बना है मतलब जो इनको पैसे देता है तो ये अपने बाप का मतलब बाप को सोच रहे हैं कि बाप नहीं जाएगा इंडिया इस तरीके की इनकी सोच है तो आपको बता दें कि भारत चीन के बीच जो तनाव चल रहे हैं उसके बाद ये शायद दोनों देशों के मतलब अध्यक्षों में से किसी एक की बहुत मतलब बड़ी विज़िट होगी अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं तो तो आपको भी पता है दोस्तों अगर किसी दो देशों के बीच टेंशन चलती है तो उन्हें बातचीत करके बात को आगे बढ़ाया जाता है ये समझता है कि जैसा इंडिया पाकिस्तान में होता है कि भाई कश्मीर पर कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे ज़िंदगी भर ऐसा ही कुछ चलता रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है आपको भी पता है कि भारत अगर चाइना के साथ भारत की कुछ जो टेंशन बनी थी उसे बातचीत से ही आगे बढ़ाया जाएगा भारत और इसी मामले में शायद प्रेसिडेंट चाइनीज़ जो है वो भी कुछ नया कदम उठाए और जो टेंशन है वो कुछ कम हो आपको भी पता है अब दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो पीछे हटने लगे हालांकि हम चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते ये भी एक कटु सत्य है तो दोस्तों आपको क्या लगता है जिस तरीके की बकवास इस डॉक्टर घोछू ने की है क्योंकि इसका बाप पाकिस्तान का बाप बहुत जल्द दौरा करने वाला है भारत का ब्रिक्स सम्मेलन में तो इसकी ऐसी जल रही है तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जय हिंद